फाइनली दोस्तों मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है। ये विजन के सारे नोट्स हैं, क्लास नोट्स। तो हम इनके रिव्यू करते हैं किस प्रकार के ये नोट्स हैं और किस एस्पिरेंट के लिए नोट्स लेने चाहिए और क्या क्या इनके अंदर क्वालिटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ये आप देखेंगे जी एस स्कोर का ये सिलेबस है जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। बेहतरीन किस लिए बोल रहा हूँ मैं, जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है उसको समझ में नहीं आता है कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे क्या करना है, तो उसके लिए इसमें ऐसे तोड़ दिया है कि आपको समझने में बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हैं इसको, आप बहुत ही ईजिली इसे समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर मैं इस सिलेबस को खोल के देखूँ, आपको ओपन करूँ, तो आप देखेंगे पेपर वन जी एस का पेपर वन हिस्ट्री आता है। तो हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिया है, हिस्ट्री के साथ साथ जो टॉपिक आते हैं टॉपिक वाइज ये पूरा तोड़ दिया है, एक तरीके से काफ़ी सरल बना दिया है इसको, जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान इसे अगर इसके अनुसार आप प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही इसमें तोड़ दिया है, आप देखेंगे मॉडल हिस्ट्री। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस है और काफ़ी बेहतरीन है। तो ये सिलेबस इसके साथ मुझे फ्री मिला है। तो हम बात करें यहाँ से, हम स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट से, यूपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और ये मॉडर्न हिस्ट्री इसके दो पार्ट में डिवाइड, ये पार्ट वन आप देखेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मॉडल हिस्ट्री, और यहाँ पर देख रहे हैं ये इंडेक्स दी है इसकी, तो इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, ये सारी इंडेक्स यहाँ पर दी है। और बात करूँ पेपर क्वालिटी एकदम बिंदास है, और आप देख रहे होंगे पेपर क्वालिटी एकदम बिंदास है, और स्पेलिंग एरर कुछ भी नहीं है, और जो प्रिंटिंग है प्रिंटिंग भी एक नंबर है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट वन है, और ये पार्ट वन हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट टू। इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की दो बुकलेट हैं इसमें। आप फिर बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, तो आर्ट एंड कल्चर आप देख रहे होंगे, आर्ट एंड कल्चर ये एक ही है, इसके अंदर पतली सी है, काफ़ी इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ पर दिए होंगे, साथ ही यहाँ पर टॉपिक के इंडेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो अगर हम खोल के बात करें तो इसमें क्यों ये बेस्ट लगता है, क्यों इसको टॉपर ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये पढ़ने के साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर पिक वगैरह से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर कोई भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे पिक काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की इसमें कोशिश करेंगे, और पेपर क्वालिटी एक नंबर है। प्रिंटिंग आप देख रहे हैं, प्रिंटिंग में आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी, एकदम आपको क्लियरली आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये आर्ट एंड कल्चर की एक बुकलेट हो गई, काफ़ी पतली सी, अगर चाहें तो इसको आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। ये घर पर अब आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की इसमें दो बुकलेट आपको यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री की मिलेगी, और सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर चैप्टर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको चैप्टर दिए हैं, यहाँ पर पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, और काफ़ी बेहतरीन पेपर पे, तो पेपर के मामले में एक नंबर है, इसमें कोई बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री इस तरीके से इसको मैपिंग से डिजाइन किया है जिसको आपको याद करने में, रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप देख रहे होंगे मैपिंग यहाँ पर दे रखी है, और इसके बारे में फिर यहाँ पर दिया है, तो आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में है, मैं आपको और आपको ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगी। आप स्क्रीन पर आप नंबर देख लेंगे, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी। इसके साथ आप किसी और कोचिंग का भी क्लास नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सारी चीज़ आपको अवेलेबल किया जाएगा। तो साथ ही साथ ये पार्ट वन हो गया, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट टू है। सेम इस तरीके से देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियरली आपको दिख रहा होगा, प्रिंटिंग एरर कुछ नहीं है, एकदम आपको देखने में और पढ़ने में, और फॉन्ट जो है फॉन्ट काफ़ी अच्छे हैं इसके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिस्ट्री की दो बुकलेट हैं मैं आपको दिखा दिया हूँ। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आ जाती है इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी आप देख रहे होंगे ये बुकलेट नंबर एक है, ये पार्ट वन है, और साथ ही मैंने जैसे बताया कि आपको सोसाइटी पार्ट वन में क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक दिख रहे होंगे, रिलीजन सोशलिज्म, और ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सेम इसकी अगर बात करें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफिक के मदद से आपको समझाने का प्रयास किया है, काफ़ी बेहतरीन है, इसमें कोई दोहराया नहीं है बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वालिटी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट वन हुआ, ये पार्ट टू है इसकी। इंडियन सोसाइटी के दो बुकलेट हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतना दिखाना पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ बात करें कि अगर ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी का ये बुकलेट नंबर वन है। अगर ज्योग्राफी की हम अगर खोल कर देखें, इसको ओपन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि
इस मैपिंग के तरीके से, इस जो आपको मैप दिया है वर्ल्ड मैप, इसके जरिए आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छे तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं तो ये मैं चाहूँगा ये क्लास नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये याद करने में, रिवाइज करने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी की सारी ऐसी आप देख रहे हो क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आप कॉल कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये ज्योग्राफी की बुकलेट नंबर एक है, ये पार्ट टू है और पार्ट थ्री है, ये पार्ट थ्री हो गया, ये पार्ट फोर हो गया। तो ज्योग्राफी के चार पार्ट हैं इसके अंदर। तो ये पेपर वन समाप्त हुआ, अब आते हैं पेपर टू पे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये सबसे ज़्यादा और सबसे कठिन माने जाने वाला एक सब्जेक्ट है यूपीएससी की जर्नी में। तो ये इसके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप ये देख रहे होंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये पार्ट वन है। साथ ही साथ सेम प्रोसेस आपको उसमें रहने वाला है। आपको यहाँ पर टॉपिक दिए हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें है, इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं आप देखेंगे। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, मैपिंग के तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और टॉपर इसलिए अधिकतर इसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ही आसानी से इसको हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर कहीं भी यूपीएससी का अगर आपने टॉपर इंटरव्यू देखा होगा तो अधिकतर यूपीएससी टॉपर जो हैं कि विजन आईएएस के नोट्स को ही फॉलो करते हैं और उनको ही रिकमेंड करते हैं, अगर शायद आपने अधिकतर आप जानते ही होंगे। और ये देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पार्ट टू है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के दो पार्ट हैं, ये बुकलेट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये पॉलिटिकल बुकलेट नंबर वन है जो कि काफ़ी अच्छे सेम प्रोसेस का है। आप देख रहे होंगे ये टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर कंटेंट दिए गए हैं, इंडेक्स क्या क्या इसके अंदर रहने वाला है। ये एक बुकलेट ये हो गई पॉलिटी की, ये दो बुकलेट नंबर दो पॉलिटी, बुकलेट नंबर तीन पॉलिटी, बुकलेट नंबर चार पॉलिटी, बुकलेट पाँच और ये छः। ये अगर हम बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी की छः बुकलेट आपको इसमें मिल जाएंगी। और साथ ही अगर आगे की ओर पढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस, ये सबसे महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। तो ये सोशल जस्टिस में आपको मिल जाएगा, ये केवल एक ही बुकलेट है सोशल जस्टिस की। और सेम प्रोसेस मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही कॉन्टेंट इसमें दिया गया है, सब्जेक्ट इसमें दिया है, कॉन्टेंट ये दिया है, क्या क्या इसमें अंदर मिलने वाला है। और आप देख रहे होंगे आप प्रिंटिंग एकदम काफ़ी अच्छी है, विजिबल हो रही है, आपको ईजिली दिखाई दे रही है। आप इस पर पेपर क्वालिटी भी एक नंबर है। ये सोशल जस्टिस की होगी, ये गवर्नेंस की होगी। आपको पता होगा गवर्नेंस एक अहम रोल पैदा करता है यूपीएससी जर्नी के अंदर, तो ये गवर्नेंस की होगी। टोटल ये बुक स्पेशल गवर्नमेंट्स के लिए है, एक बुकलेट है। आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें डिज़ाइन किया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक ग्राफिक के जरिए आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आगे की ओर चलते हैं तो एनवायरनमेंट आप देखेंगे, तो एनवायरनमेंट की इसमें कितनी बुकलेट है ये आप देखेंगे। आप देखेंगे तो ये कंटेंट इसमें दिया गया है, क्या क्या इसमें कंटेंट आपको मिलने वाला है। और पेपर क्वालिटी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, काफ़ी अच्छी पेपर क्वालिटी है। और प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे से डिजिटल। तो ये को एनवायरनमेंट बुकलेट नंबर एक, और ये बुकलेट नंबर दो, बुकलेट नंबर तीन। तो ये तीन बुकलेट आपको एनवायरनमेंट की यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए ये तो हो गए एनवायरनमेंट की बात, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे आप एक सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यूपीएससी जर्नी के दौरान, इकोनॉमिक्स का, जो कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट इसको मानते हैं, क्योंकि ये अधिकतर करंट बेस्ड होता है इसलिए। तो आप देखिए इकोनॉमी, तो इकोनॉमी मैं लेकर आया हूँ, आप देख रहे हैं इकोनॉमी की बुकलेट नंबर वन है, पार्ट वन है ये। और इसको हम अगर खोल के देखते हैं, ओपन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से, इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इसकी इंडेक्स देखेंगे तो पूरा टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्या क्या इसके अंदर टॉपिक हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये पार्ट वन हो गया, इकोनॉमी का पार्ट टू हो गया, इकोनॉमी पार्ट थ्री हो गया, इकोनॉमी पार्ट फोर हो गया। अगर हम बात करें तो इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की चार बुकलेट आपको इसमें मिल जाएंगी। साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, तो इंटरनल सिक्योरिटी आप देख रहे हैं पार्ट वन है, और सेम प्रोसेस इसका ये रहता है, क्या क्या चैप्टर इस पर क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें। और
ग्राफिक के डिजाइन, ग्राफिक के तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है क्या क्या, और इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ इसमें दी गई है। तो हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको दो बुकलेट आपको इंटरनल सिक्योरिटी की आपको उसमें मिल जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं एससी, तो ये एससी का एक छोटा सा बुकलेट है, काफ़ी इजली अगर चाहो तो आपको उसको 3 से 4 घंटे में उसको ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एससी की डेफिनेशन दी गई है, एससी को कैसे तैयार करना चाहिए और किन किन मुद्दों पर इसमें एससी दिया गया है, ये सारी चीज़ में देखने को मिल जाएगी। और ये कुछ बुलेट पॉइंट होते हैं, वो सारी चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। ये ऐसे हो गया। अब साथ ही साथ बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये एक छोटा सा चैप्टर है यूपीएससी में डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आप ये डिजास्टर मैनेजमेंट की आप देख रहे होंगे बहुत पतली बुकलेट है, इसको भी आप 3 से 4 घंटे में इजीली ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इजीली इसको आप मोड़ के ले जा सकते हैं और वहाँ पर इसको इजीली ख़त्म कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक का आप यहाँ पर देख रहे होंगे, साइंस एंड टेक ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक बुकलेट आपको साइंस एंड टेक की है ये, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है साइंस एंड टेक का अहम रोल क्या होगा यूपीएससी के अंदर। यहाँ पर वही आपको क्या कॉन्टेंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है, वो सारी चीज़ आपको दी गई है। तो ये बुकलेट साइंस एंड टेक की होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो पेपर फोर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है एथिक्स, तो हम थोड़ी एथिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो एथिक्स आप देख रहे हैं, एथिक्स ये पार्ट वन है एथिक्स का, और सेम प्रोसेस यही रहता है इसमें कि क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं, और पेपर क्वालिटी मैंने आपको बताई थी, और प्रिंटिंग क्वालिटी आपको ईजिली आपको विजिबल हो रही है, काफ़ी बेहतरीन तरह। और इसका ये बुकलेट नंबर ये आप पार्ट वन है, और ये पार्ट टू हो गया, ये पार्ट थ्री हो गया। एथिक्स के इसके बुकलेट, तीन बुकलेट आपको इसमें मिलने वाली है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एक केस स्टडी मिलता है, जिसमें 80 से अधिक केस स्टडीज आपको इसमें देखने को मिलेगी क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो काफ़ी अच्छी ये रीजन आईएएस का नोट्स है, टॉपर भी काफ़ी रिकमेंड करते हैं। तो आप इनको घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम मैंने आपको दिखाया, अगर हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी मीडियम में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिव्यू करने वाला हूँ। और आप इस नंबर पर अगर आपको प्रेजेंट में चाहिए तो आपको कॉल कर सकते हैं, आपको सारी टेस्ट सीरीज या बोर्ड क्लास नोट्स आपको इजीली मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।